फाइव टीचिंग्स, सिंपली हम इन्हें फाइव टीचिंग्स बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फाइव वाउज ऑफ जैनिज्म. क्या बोल सकते हैं? वाउज यानी प्रतिज्ञा, शपथ, या फिर आप इसे बोल सकते हो पंच महाव्रत. क्या बोल सकते हो? पंच मींस फाइव संस्कृत में, और महाव्रत का मतलब होता है वही प्रतिज्ञा, शपथ. महाव्रत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉलो करना डिफिकल्ट है. पंच महाव्रताज, फाइव टीचिंग्स और फाइव वाउज ऑफ जैनिज्म. अब ये क्या क्या है देखो. फर्स्ट टीचिंग, जो भी जैनिज्म को फॉलो करेगा, दैट पर्सन शुड फॉलो द नॉन वायलेंस. वायलेंस नहीं करनी. जैनिज्म में एग्रीकल्चर को भी वायलेंट एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है. उस जमाने से किया जाता है क्योंकि उस जमाने में ट्रैक्टर तो था नहीं. प्लाओ को किसके साथ कनेक्ट किया जाता था? बुल के साथ, ऑक्स के साथ. अब जब ऑक्स नहीं चलेगा आगे तो फार्मर क्या करेगा? मारेगा उसे. वायलेंस है. जब प्लाओ को हम नीचे जमीन में रख रहे हैं और प्लाओ जमीन को खोद रहा है, डिग कर रहा है, तो उसमें कई सारे इंसेक्ट्स होंगे, चींटियां वगैरह होंगी, कीड़े वगैरह होंगे, उनकी जान जा सकती है. तो क्या हुआ? वायलेंस. आज भी जैनिज्म में जो ये अपने श्वेतांबर और दिगंबर जैन है, ये अपने साथ वो मोर का जो फेदर है वो रखते हैं, मोर का फेदर रखते हैं पंख, उससे रास्ता साफ करते हुए जाते हैं और बढ़ते जाते हैं. यानी रास्ते में अगर कोई इंसेक्ट वगैरह आए तो वो हट जाए, वो मरे ना. समझ में आ रहा है? नंगे पैर चलते हैं और मोर के पंख से उसको साफ करते हुए जाते हैं रास्ते को. झाड़ू यूज नहीं करते. ये क्या यूज करते हैं? मोर का पंख, पिकक का फेदर, उसको यूज करके ये साफ करते हुए जाते हैं ताकि वायलेंस ना हो. श्वेतांबर जैन तो इतने स्ट्रिक्ट हैं इन टीचिंग्स को लेके कि वो अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा मुंह खुला रह जाए और कोई जीव अंदर चला जाए, मर जाए. वो सब करते हैं, मतलब वो नॉर्मल है. अल्टीमेटली तो उनके मुंह में भी बैक्टीरियाज हैं, है ना. पर वही वाली बात है, अब जितनी समझ है उस हिसाब से वो मुंह भी खुला हुआ नहीं रखते कि कहीं कोई ऐसा कोई कीड़ा या फिर कुछ ऐसी चीज ना चली जाए जिसकी जान चली जाए. ठीक है, तो देखो फर्स्ट टीचिंग है नॉन वायलेंस. जो भी ट्रू जैनी होगा वो क्या फॉलो करेगा? नॉन वायलेंस. यानी अब देखो, मैं यहां इंग्लिश में लिख रहा हूं, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है जैन लिटरेचर में. जैन लिटरेचर में लिखा हुआ है पाली, सॉरी प्राकृत. बुद्धिज्म में लिखा हुआ है पाली और यहां पे क्या है? प्राकृत लैंग्वेज. तो नॉन वायलेंस को प्राकृत में या हिंदी में बोलते हैं अहिंसा. इन्होंने अपने लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? अहिंसा. और एन नहीं होगा, एम होगा. प्रोनंसिएशन एन का ही आएगा. अहिंसा, अहिंसा मत पढ़ना उसको, अहिंसा बस लिख रहे हैं एम. तो देखो, तो नॉन वायलेंस. उसके बाद एक है हमारे पास, बात नहीं, एक है हमारे पास ट्रुथ. जो भी, देखो ट्रुथ का क्या मतलब है? सत्य. जो भी जैन मंक होगा ही वुड फॉलो दी ट्रुथ. मतलब अगर आप सच्चे जैनी हो तो आपको हमेशा क्या बोलना है? सच. यू नीड टू फॉलो दी पाथ ऑफ ट्रुथ. यू नीड टू स्पीक ट्रुथ हमेशा. तो ट्रुथ को हिंदी में क्या लिखेंगे या प्राकृत में क्या लिखेंगे? सत्य. नॉन वायलेंस, ट्रुथ. उसके बाद है, अच्छा ये हम नहीं बोल पाते, एक झूठ बोलेंगे उसको छुपाने के चक्कर में और 10 बोलेंगे, सत्य तो बोल ही नहीं पाते. तो ट्रुथ, सत्य. थर्ड पॉइंट, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन पोजिशन. अब देखो भाई, नॉन पोजिशन, और हम तो पोजेस करते हैं, ये वाली मेरी है, ये वाली तेरी है, उसको मालूम भी नहीं है कि वो किसी की हो चुकी है, या फिर ये वाला मेरा है यार, ये अच्छा दिख रहा है, हम पोजेस कर बैठते हैं. अब तुम बोलोगे सर ये, मैं बोलूंगा ये बैग किसका? सर मेरा है. मतलब आप क्लेम कर रहे हो, आप पोजेस कर रहे हो, ये पेन एकेडमी का है, पोजेस हो गया. जैनिज्म कहता है कि कुछ लेके नहीं आए हो तुम ऊपर से, ठीक है, और ना कुछ लेके जाओगे.
सब कुछ यहीं रह जाना है, तो पोजेस नहीं करना चाहिए, कुछ तुम्हारा नहीं है यहाँ पे। तो बेसिक बात ये बोल रहे हैं कि आपको पोजेस नहीं करना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए, तो नॉन पोजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? नॉन पोजेशन इसको बोलते हैं प्राकृत में अपरिग्रह। क्या बोलते हैं? ये मैच करने को आता है, इसलिए याद रखना ये वर्ड्स, जो प्राकृत वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है, मैच करने को आता है। नॉन पोजिशन मीन्स अपरिग्रह। फोर्थ टीचिंग है नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, है ना, थेफ्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। तुम लोग चोरी वोरी करते हो क्या? क्या बोला? दिल चुराता हूं सर। तो नॉन स्टीलिंग यानी कि असत्या, प्राकृत लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? असत्या, ASATEYA, असत्या, नॉन स्टीलिंग। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, और साला इसको मजे में मत लेना, ध्यान से देखो। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, इसको प्राकृत या हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं भाई लोग? अब मतलब सबको मालूम होगा, है ना। अब देखो, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस का मतलब है टू हैव द कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना। जैनिज्म ये कहता है, जैनिज्म सेज कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जो एनर्जी आप पेनेंस में लगा सकते हो, जो एनर्जी आप कहां लगा सकते हो? पेनेंस में, तपस्या में, मेडिटेशन में लगा सकते हो, वो एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी फिजिकल इंटीमेसी जब एस्टैब्लिश हो रही है तब, तो आपको उससे बचना चाहिए। तो यहां पर ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस का मतलब है टू हैव कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है टू हैव फुल कंट्रोल, ओए बात नहीं, टू हैव फुल कंट्रोल ओवर सेंसेस, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना मेडिटेशन और जो भी आपके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जैन टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। तो ये 5 टीचिंग्स हैं। और पंच महाव्रत क्यों बोल रहा है, समझ में आया? क्योंकि इनको फॉलो करना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है।